Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is International Monetary and Financial Committee. तो हम जानेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी के बारे में. इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी मीटिंग वाज रिसेंटली हेल्ड. तो इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी का मीटिंग था वो भी हाल ही में हुआ है. द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय गवर्नर अल्टरनेट गवर्नर रिप्रेजेंटिंग 190 मेंबर कंट्रीज ऑफ द IMF. और ये जो मीटिंग है इसको अटेंड किया गया था गवर्नर अल्टरनेट गवर्नर के द्वारा जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे 190 मेंबर्स कंट्री को IMF के. द डिस्कशन एट द मीटिंग सेंटर्ड ऑन वैक्सीनेट कैलिब्रेट एंड एक्सिलरेट विच इज दिस थीम ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा. जो डिस्कशन था इस मीटिंग का वो सेंट्रल था वैक्सीनेट कैलिब्रेट एंड एक्सिलरेट के ऊपर जो कि थीम था मैनेजिंग डायरेक्टर के ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा का. द मेंबर ऑफ द IMF से एलोबरेटेड द एक्शन एंड मेजर टेकन बाय द मेंबर्स कंट्री टू कॉम्बेट COVID-19 एंड फैसिलिटेट इकोनॉमिक रिकवरी. और जो मेंबर्स थे IMFC के इन्होंने इलाबरेट किया था जो एक्शन और मेजर्स लिया गया है मेंबर्स कंट्री के द्वारा कॉम्बेट करने के लिए COVID-19 को और फैसिलिटेट करने के लिए इकोनॉमिक रिकवरी को. हम जानेंगे IMFC के बारे में. तो इसके कंपोजिशन को पहले हम देखते हैं. द IMFC हैज 24 मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम द पूल ऑफ 187 गवर्नर्स. इट स्ट्रक्चर मिरर दैट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड इट 24 कंस्टिट्यूएंसी. एज सच द IMFC रिप्रेजेंट ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द फंड. जो IMFC है उसमें 24 मेंबर्स है जिनको कि ड्रॉन किया गया है पूल ऑफ 187 गवर्नर में से. ये स्ट्रक्चर करता है मिरर के जैसे जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसमें 24 कंस्टिट्यूएंसी है. IMFC रिप्रेजेंट करता है सारे मेंबर्स कंट्री को. इस फंड के फंक्शन क्या है इसका. IMFC मीट ट्वाइस अ ईयर ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड एनुअल मीटिंग. द कमिटी डिस्कसेस मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड ऑल्सो एडवाइजेस द IMF ऑन द डायरेक्शन इट वर्क. जो IMFC का है वो साल में दो बार मिलते हैं स्प्रिंग और एनुअल मीटिंग के दौरान. ये जो कमिटी होता है वो डिस्कस करते हैं मैटर को कॉमन कंसर्न का जो कि अफेक्ट कर रहा हो ग्लोबल इकोनॉमी को और एडवाइस करते हैं IMF को जो डायरेक्शन लिया गया इसके वर्क के लिए. एंड में मीटिंग के जो कमिटी है वो इश्यू करता है एक ज्वाइंट कम्युनिक्यू को जो कि समराइज करता है इसके व्यू को. ये जो कम्युनिक्यू होता है ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस को IMF के वर्क प्रोग्राम को लेकर जो 6 मंथ है उसके लिए और नेक्स्ट स्प्रिंग या एनुअल मीटिंग के लिए. कोई भी फॉर्मल वोटिंग नहीं होता है IMFC के लिए. ये ऑपरेट होता है कॉन्सेंसस से. इसका सिग्निफिकेंस क्या है. द IMFC एडवाइसेस एंड रिपोर्ट टू द IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑन द सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूडिंग ऑन रिस्पॉन्स टू अनफोल्डिंग इवेंट डेट में डिस्टर्ब दिस सिस्टम. जो IMFC है वो एडवाइस करता है रिपोर्ट करता है IMF बोर्ड को गवर्नर को सुपरविजन को लेकर मैनेजमेंट का इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का जिसमें कि जो रिस्पॉन्सेस है अनफोल्डिंग इवेंट को लेकर होता है जो कि डिस्टर्ब करता है सिस्टम को. It also consider proposal by the executive board to amend the article of agreement and advises on any other matter that may be referred to it by the board of governor. और ये consider करते हैं proposal को executive board के लिए जो कि amend करता है article को agreement का और advise करता है किसी और matter को जिसको refer किया जाना चाहिए board of governor के द्वारा. Although the IMFC has no formal decision-making power, in practice, it has become a key instrument for providing strategic direction to the work and policies of the fund. जो IMFC है उसका कोई फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है. प्रैक्टिस में वो क्या है कि इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को वर्ल्ड और पॉलिसीज के लिए इस फंड का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तमिलनाडु अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम. हम जानेंगे जो तमिलनाडु का अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है इसके बारे में. तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज इश्यू ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम इन स्टेट ऑन ए पायलट बेसिस. तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने इश्यू किया एक ऑर्डर को कि इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम को स्टेट में एक पायलट बेसिस में. द स्कीम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड एंड सोशल सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एंड टू क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एसेट. ये जो स्कीम है इसका मकसद है प्रोवाइड करना लाइवलीहुड और सोशल सिक्योरिटी को इंक्रीज करके जॉब अपॉर्चुनिटी को और क्रिएट करके मेंटेन करके पब्लिक एसेट को. हम इस स्कीम के बारे में जानेंगे. This is an urban employment scheme to be implemented by Tamil Nadu government on the lines of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. ये जो है एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के जैसे ही. इट सीक टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ अर्बन पुअर. इसका एम है कि ये इम्प्रूव करे लाइवलीहुड को अर्बन पुअर का. जरूरत क्यों पड़ा ऐसे स्कीम का. अनलाइक अदर स्टेट द अर्बन पॉपुलेशन इन तमिलनाडु इज ग्रोइंग फास्ट एंड इट वुड रीच 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाई 2036. अदर स्टेट के जैसे जो अर्बन पॉपुलेशन है तमिलनाडु का वो काफी तेज ग्रो कर रहा है. ये 60% तक हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन का 2030 तक 36 तक आई मीन. तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इसी कारण ये स्कीम को लाया गया है.
A total of 4 crore people are now living in urban area, accounting for 53% of total population. और total जो है 4 crore people अभी रह रहे हैं urban area पे, जो कि 53% है total population का. But many of them had lost their job because of COVID-19 pandemic. लेकिन उनमें से बहुत सारे ने अपने job को खो दिया है COVID-19 pandemic के कारण. इम्प्लीमेंटेशन एंड की फीचर्स, ये जो स्कीम की बात की गई है तमिलनाडु का, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, की फीचर क्या है. अंडर द स्कीम वर्कर विल बी यूज फॉर एक्टिविटीज सच एज डिसिल्टिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क एंड अदर प्लेसेस. इस स्कीम के अंतर्गत वर्कर जो है उनको यूज किया जाएगा एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि डिसिल्ट करने के लिए वाटर बॉडी को, मेंटेन करने के लिए पब्लिक पार्क और अदर प्लेसेस को. 50% जो टोटल पर्सन डेज होगा उस स्कीम के अंतर्गत उसको ईयरमार्क किया जाएगा वुमेन के द्वारा. वुमेन एंड मैन वुड बी पेड द सेम वेजेस फॉर द सेम अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्क. और जो वुमेन और मैन होंगे उनको पे किया जाएगा सेम वेज को, सेम अनस्किल्ड या सेम स्किल वर्क के लिए, सेमी स्किल वर्क के लिए. द तमिलनाडु अर्बन इम्प्लीमेंट स्कीम इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाई ए कमिटी लेड बाई फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर श्री रंगराजन. और जो तमिलनाडु अर्बन इम्प्लॉयमेंट स्कीम है, यह बेस्ड है रिकमेंडेशन के ऊपर एक कमिटी का, जिसको लेड किया गया था फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री रंगराजन के द्वारा. मनरेगा के बारे में हम जान ले. द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन 2005 एज ए सोशल मेजर दैट गारंटी राइट टू वर्क. जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में एक सोशल मेजर के तौर पर, जो कि गारंटी करता है राइट टू वर्क को, जो कि टेनेंट है सोशल मेजर्स और लेबर लॉ का. उसमें लोकल गवर्नमेंट जो है वो लीगली प्रोवाइड करेंगे कम से कम 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल इंडिया में, ताकि इनहेंस किया जा सके क्वालिटी ऑफ लाइफ को. की ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो जनरेट करना पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट को नॉट लेस देन 100 डेज का हर एक वर्कर के लिए, जो कि वॉलेंटियरली तैयार हो अनस्किल्ड लेबर के लिए. ये प्रोएक्टिवली इंश्योर करेगा सोशल इंक्लूजन को, स्ट्रेंथन करेगा लाइवलीहुड बेस्ड रूरल पुअर को, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट रूरल एरियाज सच एज वेल, पॉन्ड, रोड, कैनाल. ये क्रिएट करेगा ड्यूरेबल एसेट्स को रूरल एरियाज में, जैसे कि वेल हो गया, पॉन्ड हो गया, रोड हो गया, कैनाल हो गया. रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया, ये रिड्यूस करेगा अर्बन माइग्रेशन को रूरल एरियाज से. क्रिएट करेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए अनटैप रूरल लेबर का. द फॉलोइंग आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिसीविंग द बेनिफिट अंडर मनरेगा स्कीम. कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है रिसीव करने के लिए बेनिफिट को मनरेगा स्कीम के अंतर्गत. तो सबसे पहले तो उसको भारत का सिटीजन होना होगा अगर उसको मनरेगा का बेनिफिट चाहिए तो. जॉब सीकर को 18 साल कंप्लीट करना होगा जब वो अप्लाई करेगा इसके लिए. द एप्लीकेंट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ लोकल हाउस होल्ड, दैट इज एप्लीकेशन मेट बी मेट विथ लोकल ग्राम पंचायत. जो एप्लीकेंट है वो पार्ट होना चाहिए लोकल हाउस होल्ड का, यानी एप्लीकेशन जो है वो लोकल ग्राम पंचायत के पार्टी आपको करना होगा. एप्लीकेशन जो है वो वॉलंटरी होना चाहिए, वो भी अनस्किल्ड लेवल के लिए. इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है इस स्कीम का, तो विदिन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन और फॉर्म द डे वर्क इज डिमांडेड वेज एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट. यानी 15 दिन के अंदर जब आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन को, उस समय से जब से वर्क का डिमांड किया गया वेज एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा एप्लीकेंट को. जो राइट है अनएम्प्लॉयड अलाउंस का, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है 15 डेज के अंदर सबमिट करने के एप्लीकेशन को, तो उस दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएगा 15 दिन के बाद से. सोशल ऑडिट जो है मनरेगा वर्क का वो जरूरी है, जो कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है. द ग्राम सभा इज द प्रिंसिपल फोरम ऑफ वेज सीकर टू रेज देयर वॉइसेस एंड मेक डिमांड. जो ग्राम सभा है वो प्रिंसिपल फोरम है वेज सीकर के लिए रेज करने के लिए उनका वॉइस को और डिमांड के लिए. इट इज द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत विच अप्रूव दिस सेल्फ ऑफ वर्क अंडर द मनरेगा एंड फिक्स देयर प्रायोरिटी. और ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है जो कि अप्रूव करते हैं सेल्फ ऑफ वर्क को मनरेगा के अंतर्गत और फिक्स करते हैं उसको प्रायोरिटी बेसिस में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन. तो जो इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन है इसके बारे में हम जानेंगे. तमिलनाडु पुलिस अब इश्यू एन अलर्ट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अटैक ऑन फिशरमैन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन फॉर फिशिंग इन श्रीलंकन वाटर. तमिलनाडु पुलिस ने इश्यू किया एक अलर्ट को पॉसिबिलिटी को लेके कि अटैक हो सकता है फिशरमैन के ऊपर अगर वो क्रॉस करेंगे इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन को फिशिंग के लिए श्रीलंकन वाटर पे. तो इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन IMBL मैरिटाइम बाउंड्री इज अ कंसेप्चुअल डिवीजन ऑफ द अर्थ वाटर सर्फेस एरिया यूजिंग फिजियोग्राफिक और जियो पोलिटिकल क्रिटेरिया. जो एक मैरिटाइम बाउंड्री है उसको कंसेप्चुअल डिवीजन के तौर पर माना जाता है अर्थ के वाटर सर्फेस पे, जिसको कि यूज करके फिजियोग्राफिक और जियो पोलिटिकल क्रिटेरिया क्रिएट किया गया है. एज सच इट्स यूजुअली बाउंड एरिया ऑफ एक्सक्लूसिव नेशनल राइट ओवर मिनरल एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स इनकम्पासिंग मैरिटाइम फीचर्स लिमिट एंड जोन. और इसके लिए ये जो है यूजुअली बाउंड करता है एरिया के एक्सक्लूसिव नेशनल राइट को मिनरल्स और बायोलॉजिकल रिसोर्स के लिए. ये इनकम्पास करता है मैरिटाइम फीचर्स लिमिट और जोन को. जनरली अ मैरिटाइम बाउंड्री इज डिलिमिटेड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ ज्यूरिडिक्शन कोस्ट लाइन. और जनरली जो मैरिटाइम बाउंड्री होता है वो डिलिमिनेट होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ज्यूरिडिक्शन के कोस्ट लाइन के. ऑल्डो इन सम कंट्रीज द टर्म मैरिटाइम बाउंड्री रिप्रेजेंट द बॉर्डर ऑफ अ मैरिटाइम नेशन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी. और
कुछ कंट्री के लिए जो टर्म है मैरिटाइम बाउंड्री उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बॉर्डर के तौर पर मैरिटाइम नेशन का, जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के द्वारा। टर्मिनोलॉजी डज नॉट इनकम्पास लेक और रिवर बाउंड्रीज विच आर कंसिडर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड बाउंड्री। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये नहीं इनकम्पास करता है लेक और रिवर बाउंड्री को, जिसको कि कंसिडर किया जाता है इन कॉन्टेक्स्ट में लैंड बाउंड्री के। तो डेलिनेशन है मैरिटाइम बाउंड्री का वो एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन का होता है। इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मैरिटाइम स्पेस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप बेस्ड ऑन देयर लीगल स्टेटस। जो मैरिटाइम स्पेस है उसको डिवाइड किया जाता है फॉलोइंग ग्रुप में उसके लीगल स्टेटस के अनुसार। अंडर द सॉवरेंटी एंड अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ ए कोस्टल स्टेट, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी एंड आर्किपेलेजिक वाटर। जो सॉवरेंटी और अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग पावर के अंतर्गत कोस्टल स्टेट का, उसको इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी और आर्किपेलेजिक वाटर में डिवाइड किया गया है। मिक्स लीगल रिजाइम विच फॉल अंडर बोथ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोस्टल स्टेट अंडर द इंटरनेशनल लॉ, कंटिग्यूअस जोन, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और जो मिक्स लीगल रिजाइम होगा जहां जो कि दोनों ज्यूरिसडिक्शन में आएगा कोस्टल स्टेट और इंटरनेशनल लॉ के, उसको कंटिग्यूअस जोन, कॉन्टिनेंटल सेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा गया है। और दैट कैन बी यूज बाई ऑल स्टेट, और इसको जो कि यूज किया जा सके सारे स्टेट के द्वारा, जिसमें कि लैंड लॉक वन आते हैं उसमें हाई सी आ जाएंगे जोन जो है। तो जोन ऑफ मैरिटाइम बाउंड्री आर एक्सप्रेस इन कॉन्सेंट्रिक लिमिट सराउंडिंग कोस्टल एंड फीचर बेसलाइन। जो जोन होता है मैरिटाइम बाउंड्री का उसको एक्सप्रेस किया जाता है कॉन्सेंट्रिक लिमिट में, जो कि सराउंड करता है कोस्टल और फीचर बेसलाइन को। जैसे कि इनलैंड वाटर जो जोन होता है इनसाइड द बेसलाइन के, उसको इनलैंड वाटर कहते हैं। टेरिटोरियल सी जो जोन जो कि एक्सटेंड करता है 12 नॉटिकल माइल्स से बेसलाइन के, उसको टेरिटोरियल सी कहते हैं। कंटिग्यूअस जोन जो एरिया एक्सटेंड करता है 24 नॉटिकल माइल तक बेसलाइन से, उसको कंटिग्यूअस जोन कहते हैं। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये वैसा एरिया होता है जो कि एक्सटेंड करता है 200 नॉटिकल माइल्स तक बेस लाइन से, एक्सेप्ट जो स्पेस है दोनों कंट्रीज के लेस देन 400 नैनोमीटर होना चाहिए, वो एक्सेप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रशिया ब्रेक डिप्लोमेटिक टाइज विद नेटो। तो जो रशिया है उसने ब्रेक कर दिया अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन नेटो के साथ, तो हम जानेंगे इसके बारे में। रशिया ने डिसाइड किया है कि वो जो है होल्ड करेगा अपने एक्टिविटी को, डिप्लोमेटिक मिशन को नाटो के साथ, जब उसने एक्सपेल कर दिया था 8 रशियन डिप्लोमेट को स्पाइंग के आरोप में नेटो ने। उसके बाद से ये मूव क्यों लिया गया है, तो नाटो हैज सेट अप एज ए प्रोहिबिटिव रिजाइम फॉर रशियन डिप्लोमेट इन ब्रुसेल्स बाय बैनिंग देम फ्रॉम इट्स हेडक्वार्टर बिल्डिंग। नाटो ने प्रोहिबिट कर दिया था रशियन डिप्लोमेट को ब्रुसेल्स में बैन करते हुए उसके हेडक्वार्टर बिल्डिंग पे। रिलेशन बिटवीन मॉस्को एंड वेस्ट हैव बीन स्ट्रेंड फॉर इयर्स, बट द इमीडिएट इम्पैक्ट्स फॉर द रशियन मूव वाज द स्पाई स्कैंडल। जो रिलेशनशिप है मॉस्को और वेस्ट के बीच में वो काफी स्ट्रेंड है बहुत सालों से, लेकिन जो इमीडिएट इम्पैक्ट्स मिला है उसको वो रशियन मूव जो था स्पाई स्कैंडल को लेकर इस कारण हुआ है। मिलिट्री टेंशन हैव ऑल्सो एस्केलेटेड इन रिसेंट ईयर इंक्लूडिंग लास्ट स्प्रिंग व्हेन रशियन ट्रूप मार्च अराउंड यूक्रेन बॉर्डर प्रोबेबली फॉर इन्वेशन। और जो मिलिट्री टेंशन है ये भी काफी ज्यादा बढ़ा है कुछ सालों में, जब से लास्ट स्प्रिंग के दौरान रशियन ट्रूप ने मार्च किया था यूक्रेन बॉर्डर की तरफ प्रोबेबली इन्वेशन के लिए। सिग्निफिकेंस क्या होगा इस मूव का, ये जो डिसीजन है वो एंड कर रहा है एक पोस्ट कोल्ड वॉर एक्सपेरिमेंट को जो कि कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ ट्रस्ट बिल्ड करने में रशिया और वेस्टर्न अलायंस के बीच में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था डिकेड अगो ताकि कंटेन किया जा सके सोवियत यूनियन को, जो कि ऑफिशियल है मॉस्को, जिसको कि एक्यूज किया गया था इनक्रोच करने के लिए फॉर्मर सोवियत टेरिटरी को। अब हम नेटो के बारे में जानेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस इस्टेब्लिश बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑल्सो कॉल्ड एट वाशिंगटन ट्रीटी ऑफ अप्रैल 4, 1949। नाटो जो है वो एक मिलिट्री अलायंस है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको कि हम वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, इसके माध्यम से अप्रैल 4, 1949 को। ये काफी इंपॉर्टेंट है कब इस्टेब्लिश किया गया था किस ट्रीटी से। ये जो था क्रिएट करा था एक काउंटर वेट करने के लिए सोवियत आर्मी को, जो कि स्टेशन थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में वर्ल्ड वॉर टू के बाद, उसको काउंटर वेट करने के लिए बनाया गया था। इसके ओरिजिनल मेंबर जो थे वो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स थे। नेटो हैज स्प्रेड विद अ वेब ऑफ पार्टनर नेमली इजिप्ट, इजराइल, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड। और नेटो जो था वो स्प्रेड किया वेब के जैसे जो पार्टनर कंट्री से, बाद में इसमें और भी जुड़े जैसे कि इजिप्ट हो गया, इजराइल हो गया, स्वीडन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया। आइडियोलॉजी क्या है नेटो का, नेटो इंश्योर दैट सिक्योरिटी ऑफ इट्स यूरोपियन मेंबर कंट्री इज इनसेपरेबली लिंक टू दैट ऑफ इट्स नॉर्थ अमेरिकन मेंबर कंट्री। नेटो इंश्योर करता है कि जो सिक्योरिटी है इसके यूरोपियन मेंबर कंट्री का वो इनसेपरेबल है, ये लिंक है इसके नॉर्थ अमेरिकन मेंबर कंट्रीज के साथ।
It commits that allies to democracy, individual liberty and the rule of law as well as to the peaceful resolution of dispute. ये commit करता है इसका allies को, democracy को, individual liberty को, rule of law को, साथ साथ peaceful resolution of dispute को. ये provide करता है एक unique forum को dialogue के लिए, cooperation के लिए across the Atlantic में. जो article 5 है NATO का, हम इसको जानेंगे. The heart of NATO is expressed in article 5 in which signatory member agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all. और जो हल्ट है नेटो का, इसको एक्सप्रेस किया जाता है आर्टिकल 5 के माध्यम से, जिसमें सिग्नेटरी मेंबर तैयार हो गए कि अगर कोई भी आम अटैक होता है किसी एक भी मेंबर कंट्री व किसी भी एक से अधिक मेंबर कंट्री के बीच लिए यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में, तो इसको माना जाएगा कि वो अटैक है सबके खिलाफ, यानी सब मिलकर उसको खिलाफ रिटेलिएट करेंगे. ये अभी न्यूज में क्यों आया, तो जो रिलेशनशिप है नेटो और रशिया के बीच में ये लोवेस्ट पॉइंट में पहुंच चुका है कोल्ड वॉर के बाद से. NATO rather than US see the aggressive action not least against Ukraine but also the significant military buildup and violation of important arm control agreement. NATO जो है rather US हम कह सकते हैं कि वो उसका जो एग्रेसिव एक्शन है नॉट लिस्ट अगेंस्ट यूक्रेन को लेके, बट सिग्निफिकेंट मिलिट्री बिल्डअप और वायलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट के कारण है. नेटो ने सस्पेंड कर दिया था प्रैक्टिकल कॉपरेशन रशिया के साथ 2014 में ही, जब रशिया ने एनेक्स कर लिया था यूक्रेन को क्रीमियन पेनिनसुला पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा DLX1 प्रोटीन. तो हम जानेंगे कि ये DLX1 प्रोटीन है क्या. रिसर्चर हैव डिस्कवर्ड दैट अ पर्टिकुलर जीन DLX1 विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ जॉज स्केलेटन एंड इंटर न्यूरॉन इन द ब्रेन हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. तो रिसर्चर है, उन्होंने डिस्कवर किया है कि जो एक पर्टिकुलर जीन है DLX1 जो कि प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल को डेवलपमेंट के लिए जॉज का स्केलेटन का और इंटर न्यूरोन का ब्रेन में, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रोस्टेट कैंसर का भी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल. तुम जानेंगे एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल के बारे में. इंडियन आर्मी टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल ऑर्गेनाइज एट ब्रेकॉन वेल्स यूके. तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था, इंडियन आर्मी को कौन सा मेडल मिला, ये सब इम्पोर्टेंट है. तो इंडियन आर्मी के टीम को गोल्ड मेडल मिला है एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल पे, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था ब्रेकॉन वेल्स यूनाइटेड किंगडम पे. एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल को रिफर किया गया है ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग के तौर पर मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड के लिए. ऑर्गेनाइज बाय द यूके आर्मी, इट इज कंसिडर्ड द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस एंड टीम स्पिरिट. इसको ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड किंगडम के आर्मी के द्वारा, इसको कंसिडर किया जा रहा था अल्टीमेट टेस्ट के तौर पर ह्यूमन एंड्योरेंस का और टीम स्पिरिट के लिए. That's all for daily current affairs session. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.